हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रिसर्च एप्टीट्यूड का नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी और इसके अंदर हम थीसिस एंड डेजर्टेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि थीसिस क्या है और डेजर्टेशन क्या है और उसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आता है जैसे हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उस टाइम पर हम जो है हमारा रिसर्च वर्क कम्प्लीट करते हैं और उसके अंदर हमें जो है डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है। इसी तरीके से हमारी थीसिस होती है और डेजर्टेशन होती है जो कि हमारे जो मास्टर डिग्री कोर्सेज हैं उनके अंदर भी अप्लाई होती है। और थीसिस जो हम प्रिपेयर करते हैं ताकि हम आगे जो हमारी रिसर्च वर्क है उसमें क्या करने वाले हैं। इसके लिए जो हमारे प्रोसीजर है 10 स्टेप का प्रोसीजर है, इसके अंदर फर्स्ट आता है टाइटल पेज। जो भी थीसिस होगी उसका टाइटल पेज के अंदर क्या चीजें होंगी, सबसे पहले आता है टाइटल ऑफ द स्टडी कि हम किस चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, हम सबसे पहले वो लिखेंगे। साथ ही साथ नेम ऑफ द ऑथर या इंस्टीट्यूट एंड द ईयर ऑफ सबमिशन, यानी कि जो टाइटल पेज होगा सबसे पहले आता है टाइटल पेज। टाइटल पेज में क्या क्या आएगा, नेम ऑफ द ऑथर, टाइटल पेज हमारा क्या है या फिर हमारे इंस्टीट्यूशन का नेम क्या है और ईयर हम किस साल में उसको सबमिट करेंगे, ये सारी चीजें हम टाइटल पेज के ऊपर मेंशन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट क्या होता है, ये ओरिजिनल वर्क होता है किसी भी ऑथर का, यानी कि आपने ये काम खुद से किया है, ओरिजिनल वर्क ऑफ द ऑथर एंड ऑल सोर्सेज रेफर टू हैव बीन साइटेड, और किन किन सोर्सेज से आपने डाटा वगैरह कलेक्ट किया, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। थर्ड जो हमारा स्टेप आता है वो आता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट के अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक्सप्रेस किया जाता है अबाउट द ऑथर ग्रेटिट्यूड टू ऑल दोज हु हैव हेल्प्ड इन द रिसर्च, यानी कि एक्नॉलेजमेंट के अंदर ये एक तरीके से ऑथर थैंक यू बोल रहा है जो भी जिस जिस ने उनकी हेल्प करी है रिसर्च वर्क के अंदर। नेक्स्ट आता है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर क्या आएगा, इंफॉर्मेशन होगी चैप्टर्स के बारे में और साथ के साथ उनके पेज नंबर लिखे होंगे हमारे टेबल ऑफ लिस्ट ऑफ जो हमारे टेबल ऑफ कंटेंट है उसमें। नेक्स्ट आता है लिस्ट ऑफ टेबल एंड लिस्ट ऑफ फिगर्स। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ हम जो है पिक्चर्स या फिगर्स का या फिर हम कोई भी ग्राफ वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी रिसर्च में, तो उन सारी चीजों को हम लिखेंगे और उनके पेजेस पेज नंबर बताएंगे कि हमने इस पेज पर ये चीज इंक्लूड की है। नेक्स्ट आता है लिस्ट ऑफ एब्रीवेशन। एब्रीवेशन के अंदर क्या होता है कि आपने कोई अगर जैसे कि कोई भी वर्ड है जो कि फिमिलर नहीं है, नॉर्मली आपने उसका इस्तेमाल किया है, तो आप उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि आपका यहाँ पर उस मतलब उस वर्ड का मतलब क्या है, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ऑल द एब्रीवेशन यूज इन द थीसिस, यानी कि जो भी आपने थीसिस के अंदर जो भी चीजें इस्तेमाल की हैं, जो भी आपने जो हमारी एब्रीवेशन का यूज किया है उनको आप एक्सप्लेन यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आता है स्टेप नंबर 7 है, ये आता है चैप्टर्स। अब जो मेन है चैप्टर्स के अंदर क्या होगा, फर्स्ट हमारा होता है इंट्रोडक्शन। जब भी आप कोई भी चैप्टर वगैरह लिख रहे हैं तो उसमें आप इंट्रोडक्शन देते हैं, तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि ये इंट्रोडक्शन किस लिए दिया जाता है, ये हेल्प करता है रीडर को, यानी कि जो उस थीसिस को पढ़ रहा है ये उसको मदद करेगा किसके अंदर, फेमिलराइज विद द टॉपिक ऑफ द रिसर्च, कि वो हेल्प करेगा जानने में कि एक्चुअल में बच्चे ने किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च का वर्क किया है। नेक्स्ट आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंदर क्या होगा, प्रोवाइडिंग क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग लिटरेचर ऑन द टॉपिक। रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंदर यानी कि जो आपने टॉपिक सिलेक्ट किया था उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस रिसर्च हुई है उनके कुछ आप जो है पॉइंट्स लिखेंगे, मेंशन करेंगे, डिटेल बताएंगे कि उन्होंने भी क्या है इसके ऊपर एनालाइज किया है। नेक्स्ट आता है या वर्क किया है। नेक्स्ट वन इज रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी का मतलब क्या है, ये हमें डिटेल बताएगा कि हमने कौन से मेथड का इस्तेमाल किया है, हमने डाटा किस तरीके से कलेक्ट किया है, कहाँ से हमने जो है डाटा कलेक्ट किया है, ये सारी चीजें हमारी कहाँ पर आएंगी, रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर, यानी कि मैंने किस तरीके का मेथड अप्लाई किया है मेरी रिसर्च को कंडक्ट करने में। नेक्स्ट वन इज डाटा एनालिसिस। अब जो है जब हमने डाटा वगैरह कलेक्ट कर लिया, अब हम उसको एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद क्या होगा, समरी और कंक्लूजन हम उसका निकालेंगे। समरी और कंक्लूजन हमारा लास्ट चैप्टर होता है हर थीसिस का, जिसके अंदर प्रोवाइड की जाती है इन्फ्रेंस एंड जनरलाइजेशन, यानी कि इसका कहाँ पर उपयोग है और ये इसका ओवरऑल निचोड़ क्या है हमारी रिसर्च का, वो हमें कौन बताता है, समरी एंड कंक्लूजन बताता है। नेक्स्ट आता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी के अंदर क्या होता है, लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर टू इन ए स्कॉलरली वर्क, यानी कि जो आपने काम किया था उसके अंदर आप कुछ रेफरेंस देंगे कि इन इन बुक्स को मैंने स्टडी किया है, एंड ऑल सोर्सेज आर मेंशन, जहां जहां से आपने कुछ भी चीजों को लिखा है आप उसकी जो है रेफरेंस यहाँ पर लिखेंगे
और लास्ट वन इज अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के अंदर क्या आएगा, जो भी हमारी क्वेश्चनरी थी ना, जो हमने यूज किया है डाटा को कलेक्ट करने में, उसको यहाँ पर हम अटैच करेंगे एक फॉर्म में। किस फॉर्म में हम अटैच करेंगे, अपेंडिक्स के फॉर्म में उसको अटैच करेंगे। तो ये हमारे एक थीसिस का प्रोसीजर होता है। जैसे हमने जो है रिसर्च का प्रोसेस किया है, ये भी क्या है हमारा, ये थीसिस और डिसर्टेशन अगर हम लिख रहे हैं तो उसका प्रोसेस है ये, सेम वही है। हर स्टेप जो है ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बस आगे पीछे हैं थोड़े से स्टेप हमारे, कि उसमें जैसे कि पहले कुछ और चीज आती है। अब जैसे ये वाला पार्ट है, ये उसमें नहीं होता हमारे रिसर्च प्रोसेस में, लेकिन हमारे थीसिस में है। तो ये सारी चीजें आपको नोटिस डाउन करनी होगी, और इनका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इसको जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इनके अंदर क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं। होप सो आपको जो है समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।